गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ज्ञान ज्योति अकेडमी ऑनलाइन क्लास। आज हम क्लास सेवेंथ में साइंस का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने पिछली ऑनलाइन क्लास में अपनी हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, चैप्टर नंबर 5 में एसिड्स के बारे में पढ़ा था, है ना। हमारा ये वाला चैप्टर क्या है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को जैसे जो वर्क दिया था कि आप लोगों को इसके नोट्स प्रिपेयर करके और उसमें आप लोगों को नोटबुक में लिखना है, तो मुझे कुछ ही स्टूडेंट्स का वर्क आया है, बाकियों का मेरे पास वर्क अभी तक नहीं आया है। तो बच्चों, आप लोगों को वर्क कम्प्लीट करके और मुझे मेरे व्हाट्सएप पर क्या करना है, आप लोगों को सेंड करना है, ठीक है। अब उसके अलावा जैसे उस दिन हम लोगों ने पढ़ा था कि एसिड क्या होता है, एसिड सॉर इन टेस्ट होता है, फिर उसका रिएक्शन भी हम लोगों ने देखे थे। एसिड्स हमारे एसिड जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती मिनरल एसिड्स हैं एंड एक होती है ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। अब मिनरल एसिड जैसे किस में पाई जाती है, ये हमने देखा था कि जो हमारे जो केमिस्ट्री लैब वगैरह में जो एसिड्स होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मिनरल एसिड। और ऑर्गेनिक एसिड किसे बोलते हैं, जो हमारे फूड्स वगैरह में प्रेजेंट होती है, जैसे हो गया साइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड किस में पाई जाती है, विनेगर में। लैक्टिक एसिड्स हो गया, लैक्टिक एसिड किस में पाई जाती है, मिल्क एंड कर्ड में, तो एक्सेट्रा, है ना, ऑर्गेनिक एंड मिनरल। अब आज उसके बाद में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स भी पढ़ी थी, उसके बाद में यूजेज ऑफ एसिड्स पढ़े थे। अब आज हम पढ़ेंगे बेस के बारे में, किसके बारे में पढ़ेंगे, बेसिस के बारे में, ठीक है। बेस बेस क्या होता है, बेस हैव अ सोपी फील एंड टेस्ट बिटर टू न्यूट्रलाइज। क्या होता है इसका टेस्ट, क्या होता है, बिटर इन टेस्ट होता है, ठीक है। और ऐसे जब फील करते ना तो ऐसा बिहेव लाइक अ सोप, जैसे सोप नहीं, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं तो डिटर्जेंट सोप वगैरह हाथ में लेते हैं तो कैसे एकदम ऑयली जैसा लगता है ना, तो उसी तरीके ये हमें लगता है। यूज़ फॉर अ टू पर्पज, जो ये जो बेस होता है ना वो दो तरीके के लिए यूज़ किया जाता है। एक होता है टू रिमूव द ग्रीस एंड डर्ट एंड टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट्स ऑफ एसिड। अब क्या क्यों यूज़, एक तो वो यूज़ होता है किन चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, टू रिमूव ग्रीस, जो हमारे कपड़ों में या ग्रीस वगैरह जो दाग वगैरह लग जाते हैं वो हो गया, एंड डर्ट्स वगैरह जो कपड़ों में डर्ट्स लगते हैं ना, मतलब किसी भी चीज़ में से लगा हुआ ग्रीस को हटाने के लिए, और डर्ट वगैरह जो कपड़ों में दाग वगैरह लग जाते हैं उन चीज़ों के लिए क्या होता है कि यूज़ होता है। और एक यूज़ होता है कि एसिड के इफेक्ट को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल किसी सब्सटेंस में क्या है, एसिड क्या है मोर एसिड, है ना, एसिड आ रहा मोर, है ना। अब उसके अंदर अगर हम क्या ऐड कर देंगे, बेस अगर ऐड करते हैं इसके अंदर, तो क्या होता है, इसके इफेक्ट को क्या कर देता है, कम कर देता है, तो इसको क्या बना देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या करता है, न्यूट्रलाइज बना देता है ना। तो मतलब इससे बेस को एक इसके लिए भी यूज करते हैं। अब उसके बाद में है, अ बेस दैट कंटेन ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्साइड। अगर किसी भी बेस के साथ में अगर फॉर एग्जांपल क्या हुआ, ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्साइड्स। एंड नेक्स्ट वन इज अ बेस इज सब्सटेंस विच प्रो एंड वाइल अ बेस दैट कंटेन्स ऑक्सीजन अलोंग विथ हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोक्साइड। और यह सिर्फ ऑक्सीजन होगा तो उसे क्या बोलेंगे, ऑक्साइड। अगर यही ऑक्सीजन किसके साथ होगा, हाइड्रोजन के साथ होगा, किसके साथ होगा, हाइड्रोजन के साथ, तो इसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रो ऑक्साइड। क्या बोलेंगे, हाइड्रो ऑक्साइड, है ना। अगर क्या है, ऑक्सीजन के साथ अगर बेस किसके साथ हुआ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बोलेंगे, ऑक्साइड। और अगर बेस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन के साथ हुआ तो हम उसे क्या बोलेंगे, हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। अब उसके बाद में पढ़ते हैं, बेस इज अ सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रो ऑक्साइड आयन्स व्हेन एडेड टू वाटर, बेस दैट डिजॉल्व इन अ वेयर इज कॉल्ड अ अल्कलाइन। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि बेस हाइड्रो ऑक्साइड आयन्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या करेंगे, वाटर में डिकम्पोज करेंगे या फिर उसे हीट करेंगे, तो इसमें क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ देखो इसे किसके साथ रिएक्ट किया, वाटर के साथ, तो इसमें क्या हो जाएगा, सोडियम सेपरेट हो जाएगा, है ना, सोडियम प्लस हाइड्रो ऑक्साइड। ये हाइड्रो ऑक्साइड मिला ना, तो अभी मैंने क्या कहा था कि ऐसे कंपाउंड जिसमें से हाइड्रोजन आयन्स
रिमूव होते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो ऐसे आयंस को क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी आयंस, क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी आयंस। अब बेस में से हाइड्रोक्सी आयंस क्या होते हैं, रिमूव होते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे पोटेशियम ऑक्साइड KOH, है ना, क्या हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया आपको K हो गया पोटेशियम, OH क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सेम ऐसे इस रिएक्शन को भी ऐसे करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, पोटेशियम प्लस ये क्या हो गया, हाइड्रोजन आयंस क्या हो गए, रिमूव हो गए। ठीक है, ये इस तरीके से क्या करेंगे, एग्जांपल ऑफ किसका है, बेस का। फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, हम क्या लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ डिजोल्व होगा तो क्या फॉर्म होगा, सोडियम प्लस हाइड्रोजन आयंस क्या है, हाइड्रोक्सिल आयंस, तो इसे क्या बोलते हैं, सोडियम, ये क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड आयंस, और ये क्या हो गया, सोडियम, साथ में दोनों को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब उसके बाद में हम नेक्स्ट लेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के साथ करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, पोटेशियम अलग हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयंस, क्या हो जाएंगे, हाइड्रोक्साइड आयंस। अब उसके बाद में हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, क्या बेसिस की प्रॉपर्टीज क्या है, दे आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच, मतलब टेस्ट में क्या होगा, बिटर यानी कड़वा, और सोप में, और टच करने पे जो कैसा लगता है, सोप लाइक बिहेवियर लगता है, इसमें क्या होता है, बिटर इन टेस्ट होता है, और इसमें क्या होगा, जो रेड लिटमस पेपर, जो इसमें जो लिटमस पेपर है ना, वो कैसे चेंज होगा, लिटमस रेड टू ब्लू, है ना, किस में चेंज हो जाएगा, लिटमस पेपर रेड टू ब्लू, एंड दे आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्सिल ओएच ग्रुप, इसमें क्या क्या फॉर्म्ड होता है, ओएच ग्रुप फॉर्म होता है ना, तो इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सिल, है ना, क्या हो गया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब उसके बाद में है दे रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म अ सॉल्ट, अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा, या क्या बनेगा, सॉल्ट, जैसे हमने पढ़ा था ना, अगर एसिड है, है ना, प्लस बेस उसके साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बन फॉर्म होगा, सॉल्ट प्लस वाटर, है ना। दे शुड बी टच बाय हैंड, और इसको क्या नहीं कर सकते हम, इस सॉप बेस को भी डायरेक्टली हम अपने हैंड से टच नहीं कर सकते हैं। अब यूजेज ऑफ बेसिस है, क्या है, बेसिस का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज नाउन एज अ स्लेक्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अदर एक नेम से भी बोला जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम, क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। अब बेसिस के यूजेस देखते हैं ना, इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, है ना, फर्स्ट वाला क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, कैल्शियम हाइड्रो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे अदर नेम्स क्या बोलते हैं, स्लेक्ट लाइम, है ना। अब कैसे, इट इज यूज, ये किस में यूज होता है, इट इज मिक्स विथ सैंड्स एंड वाटर टू मेक अ मोटर विच इज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। अब इससे क्या होता है, इसे सैंड्स और वाटर के साथ जब मिक्स करते हैं ना, तब इसमें क्या फॉर्म्ड होता है, इट इज मिक्स विथ सैंड्स एंड वाटर टू मेक अ मोटर विच इज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। किस में यूज होता है, जब बिल्डिंग्स वगैरह बनाते हैं ना, तो सैंड्स मिट्टी और उसके अंदर वाटर में मिक्स करके इसको, मतलब बिल्डिंग्स वगैरह बनाए जाते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन में वर्क होता है इसका। इट इज ऑल्सो यूज टू फार्मर ऑन द फील्ड ऑफ न्यूट्रलाइज टू हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द एसिड रेन, जो एसिड रेन होती है ना, उसे भी क्या करते हैं, जो इफेक्ट, जो एसिड रेन से जो फार्मर के जो उसमें जो क्रॉप्स में जो इफेक्ट्स होता है ना, उसको उसमें भी इसका क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो नाउन एज अ कॉस्टिक सोडा, क्या बोला जाता है इसे, कॉस्टिक
सोडा है ना। उसके बाद में ये कहाँ यूज होता है, इट इज ऑल्सो यूज इन द मेकिंग रियोन। जो रियोन जो क्लोथ्स होता है ना उसमें भी कॉस्टिक सोडा का यूज होता है, एंड इट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, और ये सोप्स वगैरह बनाने में भी यूज होता है। किसमें? रियोन यानी ये कपड़ा होता है उसमें बनाने के लिए क्लोथ्स में, और किसमें यूज होता है? सोप में। ठीक है, ये आप यूजेस उसके याद रखना। अब उसके बाद में है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड? इज स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन केमिकल विच इज अवेलेबल इन पिलेट्स एंड फ्लेक्स। दिस केमिकल इज कॉमनली यूज इन द डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट्स ऑफ फंगल इन्फेक्शन इन स्किन, हेयर एंड नेल। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किस में यूज होता है? पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड है ना, जिसको KOH भी हम क्या करते हैं बोलते हैं। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड उसको कहाँ किस में यूज होता है? फंगल इन्फेक्शन। किस में यूज होता है? फंगल इन्फेक्शन, जिसमें किस में यूज होता है? जैसे हमारी स्किन्स में होता है, नेल्स में होता है, और हेयर्स में। ठीक है, कभी कभी हमें स्किन्स की या स्किन में एलर्जी हो जाती है, वो हो गया, हेयर्स में प्रॉब्लम्स होती है, या फिर नेल्स वगैरह हमारे ख़राब होने लगते हैं, तो उसमें क्या होते उस वहाँ उस वक्त क्या हो जाता है? हमें फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का भी क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड? इट कम्स एज अ टैबलेट एंड लिक्विड दैट कैन बी टेकन थ्रू अ माउथ। ये क्या, ये भी किसमें? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी टैबलेट्स वगैरह बनाने में यूज होता है। नेक्स्ट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या है अमोनियम हाइड्रोक्साइड? अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू रिमूव इंक स्पॉट। अमोनियम हाइड्रोक्साइड किसमें यूज होता है? टू रिमूव द इंक स्पॉट, जो हमारे कपड़ों में दाग वगैरह लग जाते हैं इंक वगैरह के, है ना, तो उसमें यूज होता है अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड है ना। इंक के जो दाग वगैरह हो जाते हैं ना स्पॉट्स वगैरह, उनको यूज करने उनको हटाने में यूज होता है। क्लॉथ्स एंड रिमूव टू ग्रीस फ्रॉम द विंडो पेंस, इनमें यूज किया जाता है। एंड इट इज ऑल्सो यूज इन अ मेकिंग इन द कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। कॉस्मेटिक्स वगैरह के जो सामान बनते हैं उसमें यूज होता है। लार्जेस्ट यूज ऑफ अमोनिया इज एज अ फर्टिलाइजर। और सबसे ज्यादा जो अमोनिया का जो यूज होता है वो यूज होता है एज अ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर कहाँ यूज करते हैं हम? क्रॉप फील्ड में फार्मर अपने क्रॉप्स वगैरह जो ग्रो करते हैं ना, उनमें एक जो फर्टिलाइजर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है मैन्योर जो नेचुरली होता है, और फर्टिलाइजर जो होता है एडिंग केमिकल्स वगैरह ऐड करके फर्टिलाइजर प्रिपेयर किए जाते हैं, और फिर उन्हें हमें क्या करते हैं फार्मर अपने क्रॉप्स वगैरह में डालते हैं, ताकि जिससे सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज़ हो और क्रॉप भी हमारी अच्छे से ग्रो हो जाए। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा है बेस के बारे में कि बेस क्या है, उसके यूजेस उसके और उसकी प्रॉपर्टीज एंड उसके यूजेस। अब हम पढ़ेंगे हाउ कैन वी आइडेंटिफाई एसिड फ्रॉम बेस। अब हमने इतना तो पढ़ लिया है कि एसिड्स क्या होती है, बेस क्या होती है ना। कुछ सब्सटेंस एसिड के ऐसे होते हैं जिन्हें हम टेस्ट करके बता सकते हैं हाँ कि ये एसिड है। कुछ नहीं टेस्ट कर सकते, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? लिटमस पेपर का। उसी तरीके से बेस है, बेस को हम किस कुछ चीज़ों को हम टेस्ट करके बता सकते हैं ये बेस है, और कुछ को नहीं टेस्ट करके बता सकते, तो उनके लिए हम क्या करते हैं? लिटमस पेपर। तो मैंने इससे पहले ही बताया था कि ये सब चीज़ें करने यूज़ करने इसको ये आइडेंटिफाई करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? इंडिकेटर का। किसका करेंगे? इंडिकेटर। अब जो इंडिकेटर जो हमारे पास है वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है नेचुरली होता है और एक होता है सिंथेटिकली। ठीक है, अब हम इंडिकेटर के बारे में स्टडी करते हैं। वी ऑलरेडी नाउ डेट एसिड्स आर अ सोर वाइल बेस आर अ बिटर इन टेस्ट, है ना। वी यूज सब्सटेंस बट एवरी सब्सटेंस कैन नॉट बी टेस्टेड टू फाइंड आउट इज एसिडिक आर बेसिक। ठीक है, इफ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। फिर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि अगर हर सब्सटेंस को अब जब हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो देयर फॉर टू टेस्ट फॉर एसिड्स एंड बेस वी यूज अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इंडिकेटर। एक एसिड्स और बेस के सब्सटेंस को टेस्ट करने के लिए जो इंडिकेट जो
जो यूज़ करेंगे उसे क्या बोलेंगे, इंडिकेटर। स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सटेंस इज यूज टू टेस्ट वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक आर बेसिक। इंडिकेटर क्या बोलते हैं, एक ऐसे स्पेशल टाइप्स का क्या है, सब्सटेंस है, जिसे किसके लिए यूज़ किया जाता है, टू यूज़ द एसिड्स एंड बेस के बारे में फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। दिस सब्सटेंस इज नाउन एज ए इंडिकेटर। अगर आप लोगों को इस तरीके से क्वेश्चन आए कि वॉट इज इंडिकेटर, तो क्या लिखोगे उसकी आंसर इसका, कि इसमें क्या है, वन टीज में स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सटेंस इज यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक आर बेसिक, द सब्सटेंस आर नाउन एज अ इंडिकेटर, ठीक है। ये कितने तरीके के होंगे, दो तरीके के, एक होगा नेचुरल और एक होगा सिंथेटिक, है ना। नेचुरल वो होगा जो नेचुरली चीज़ों से प्रिपेयर किया जाएगा, और सिंथेटिक वो होगा जो केमिकल्स वगैरह ऐड करके प्रिपेयर किया जाएगा, ठीक है। अब क्या है, टर्मेरिक लिटमस एंड चाइना रोज पेटल आर सम ऑफ नेचुरल अकरिंग। ये क्या है, जैसे टर्मेरिक क्या है, पता है आप लोगों को, जैसे हम घरों में जो यूज़ करते हैं ना, अपनी हल्दी है ना, वो हो गया, ठीक है। उसके अलावा लिटमस, ये क्या है, नेचुरली है, और एक है चाइना रोज है, उसका पेटल यूज़ किया जाता है। क्या किया जाता है, पेटल, जैसे उसकी लीव्स लाइक जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, उसमें से एक स्ट्रक्चर क्या होता है, पेटल्स भी पाया जाता है। अभी तो वो फ्लावर्स मेरे पास नहीं है, फिर कभी अगर वो फ्लावर्स जब मुझे मिल जैसे मुझे मिलेगा तो हम शायद मैं कोशिश करूँगी जब हम नेक्स्ट वीडियो में जब आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ तब वो फ्लावर मैं आपको शो करूँ, ठीक है। अभी तो जैसे नेचुरल जो इंडिकेटर है कौन से हैं, नेचुरल इंडिकेटर में क्या आएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल टर्मेरिक, लिटमस एंड चाइना रोज। क्या आएगा, चाइना रोज पेटल्स आर सम ऑफ नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर। ऑन द अदर हैंड फिनोप्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज आर द सिंथेटिक, है ना। ये तो हो गए हमारे नेचुरली, अब सिंथेटिक कौन सा होगा, सिंथेटिक इंडिकेटर क्या आएगा, फिनोप्थेलिन एंड मिथाइल ऑरेंज क्या आएगा, मिथाइल ऑरेंज, है ना। ये क्या होंगे हमारे नेचुरल इंडिकेटर, क्या होंगे, टर्मेरिक, लिटमस पेपर और चाइना रोज, और सिंथेटिक इंडिकेटर हमारे क्या होंगे, फिनोप्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज, है ना। ये हो गए हमारे सिंथेटिक। अब इसमें से पहले हम सबसे पहले किसके बारे पढ़ेंगे, लिटमस पेपर के बारे में। लिटमस पेपर क्या है, द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज अ लिटमस। सबसे ज़्यादा जो पेपर जो यूज़ होता है इंडिकेटर के अंदर वो क्या होता है, लिटमस पेपर यूज़ होता है, ठीक है। और ये किसका एक्सट्रैक्ट है, लाइकेंस का। किसका है, लाइकेंस क्या है, जो प्लांट्स है जो छोटे वाले, जो जैसे एल्गे और फंजाई वैसा होता है ना, वैसे क्या होता है, लाइकेंस से कहें तो उसका एक्सट्रैक्ट होता है। इट हैज़ अ मूव इन अ पर्पल इन कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर में जब इसको डालेंगे नॉर्मली वाटर में, ठीक है, तो उसमें इसका कलर कैसे हो जाता है, पर्पल कलर। और अब इसे किसी एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड एंड व्हेन इट टू ब्लू। कैसा होगा, एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन में लिटमस पेपर का कलर क्या हो जाएगा, रेड, है ना। और बेसिक के अंदर क्या हो जाएगा, ब्लू, ठीक है। ये समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक। अब मैं आप लोगों को यहाँ तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि बेस क्या होते हैं, बेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और उसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। फिर उसके बाद में हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द एसिड्स एंड बेस फ्रॉम, है ना। तो इसके अंदर ये क्या है, हमारे इंडिकेटर है। इंडिकेटर के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि इंडिकेटर किसको बोलते हैं, क्या होता है इंडिकेटर। स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सटेंस इज यूज टू टेस्ट वेदर द एसिडिक आर बेसिक, है ना। बेसिक और एसिड को चेंज पता करने के लिए हम इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। इंडिकेटर कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के, एक होता है नेचुरली और एक होता है सिंथेटिक। नेचुरल में क्या आएगा, टर्मेरिक, लिटमस एंड चाइना रोज, एंड सिंथेटिक में क्या आएगा, फिनोप्थेलिन एंड मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। बच्चों मैंने आपको यहाँ तक मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप लोगों को यहाँ तक क्या करना है कि बेसिस के बारे में लिखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस लिखना है और यूजेज ऑफ
बेसिस लिखना है, और उसके अलावा ये यहाँ तक का लिटमस पेपर के बारे में आप लोगों को यहाँ तक अपनी नोटबुक में लिखना है, और लिखने के बाद आप लोग क्या करोगे मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करोगे, ठीक है। ये वर्क आप लोगों को इतना करना है, और आप लोगों को लर्निंग करने के लिए एसिड्स एंड बेस की प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस, एसिड की प्रॉपर्टी और एसिड के यूजेस और बेस की प्रॉपर्टी और बेस के यूजेस, ये चारों पॉइंट्स आप लोगों को क्या करना है लर्न करके रखना है। ओके बच्चों, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।